या दोस्तों, आप सभी को रमजान शरीफ बहुत बहुत मुबारक। सारे हिंदुस्तान को, सारी दुनिया को खट्टी दाल, तलावा गोश्त, एक रोटी, चावल गरम गरम बैठ के खाने पे अनलिमिटेड, फुप्पा लोट के खाओ, फुप्पा जैसा खाते खाओ। कि आप आने के बाद यहाँ पर दाल का भगोना देखेंगे तो कम से कम नहीं बोलते 40 आदमी खाली भगोने में बैठते। खाली बड़े बड़े बात ना कर लिए तो नहीं होता भाई। तुम करो, तुम कॉमेडियन है, तुम्हारे अच्छा दिखता, सूट भी होता तुम ऐसे बात ना करे तो। मैं रोजदारों की फीलिंग के साथ नको खेलो यार। रोजदार एक उम्मीद से आते, तुम बोल रहे यहाँ से आते, वहां से आते, केरला से आते, आंध्रा से आते। अरे तुम्हारे पास हैदराबाद सिकंदराबाद के लोग नहीं आते अगर ऐसे चला तो। अरे यारो भाई, अल्लाह रे बोल के तीसरी शहरी तो हो रही है, हमारी तीसरी शहरी में ऐसी पंक्चर हालत हो गई तो कैसा अकबर भाई। बहुत दिल को बहुत तकलीफ हो रही, इतनी उम्मीद से आए थे। चलो भाई, अकबर बिन तबर खुद ही अच्छे अच्छों की खबर बोलो, तुम हमारी खबर खुद और यारो बैठ के अंदर खाना खाए तो। अरे जेल में तो भी अच्छा रहता, सिटिंग ऑर्डर पिंडा, हर कोई कुर्सियां इधर उधर खींच लिए, आंगों पे गिर जा रहे पिंडा। अरे कोई हाइजीनिक नहीं, तो मैं सो चावल का, सो चावल की वो क्या है, वो सूप रहता ना, वो उसमें से। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे है? आज मैं एक पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट के साथ आया। समझे तो, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट को उर्दू में क्या बोलते? आम खास ऐलान करने आए, समझो। हाँ, ऐलान है आम खास। तो भाई, अपने को सबको अकबर बिन तबर तो मालूम, जो अच्छे अच्छे उनकी खबर खुद डाले। आज रील वायरल हो रही उनकी, थोड़े दिन से उनकी होटल है ना टोली चौकी पे, तो अनलिमिटेड सहर एट 119 rupees, आई वोंट इवन से 120, अनलिमिटेड राइस, खट्टी दाल और तलावा गोश। तो हम गए उधर, जाके बैठते ही तलावा गोश हो गया, बोले तो हम उठ के चले जा रहे थे। और चलो भाई, चलो हम पीक टाइम के बाद गए समझो, चलो भाई खत्म। 40 आदमी भगोने में बैठ के स्टैंड रहता, उसको उससे दाल निकालते, ऐसा निकाल के साथ डाले तो जीरा कम से कम नहीं बोले तो भी मिनिमम 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 खाली जीरा। हम लोग यकीन मानो 19 किलो जीरा डालते तो दाल कितनी बनती होंगी, अब सोच लो। और हैदराबाद के लोग कितने आते होंगे, हैदराबाद सिकंदराबाद लालागुड़ा बारकस निंगमपल्ली बीएचएल अरे शाद नगर जरचल्ला महबूब नगर, हर जगह से आते, बीदर से आते, जहीराबाद से आते, गुलबर्गा से आते, आखिर में बेंगलुरु से भी आके लोग ये खा के जाते। इसका मतलब ये है कि यहाँ की जो दाल बनती खट्टी दाल, अरे रे 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 रे, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। मिर्ची ऐसा फिरते रहती, जीरे को पूछती भाई साल आ गया क्या, भाई रमजान चालू हो गया क्या, तो जीरा बोलता जी हाँ आपको भी मुबारक। उसके बाद करीब बता खुद बोलता भाई मैं तो जल के रेडी हूँ, मगर खाने वाले कौन है? तो सीधा हमारे पास खाने वाले रोजदार रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सभी को रमजान बहुत बहुत मुबारक। अरे रे 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 119 रे, क्या बोलना साहब, पापड़ तलावा गोश्त मुट्ठी भर के, अपा अनलिमिटेड राइस। राइस तो हम लोग क्या करते हैं मालूम, आप लोग बिलीव करो, ये टोली चौकी का जो ब्रिज है ना, चौरस तक आइए शाहगोस के पास चालू होता ब्रिज, वो ब्रिज है ना, वो ब्रिज पे चढ़ाते हैं देख से पूरे। आप यकीन मानो हम ना ऊपर से राइस नीचे मंगाते। अब मैं कैसा बोलूँ, कम से कम राइस खाली निकालने के वास्ते 300 लोगों को अलग रखे, और चिल्लर का तो छोड़ दो साहब, मैं क्या बोलूँ। लास्ट टाइम के जैसा बोल रहा हूँ, आप लोगों को सबको मालूम है, 1 rupees हमेशा मैं जमा करके रखता हूँ। अब इस वक्त तो अब मैं इंशाल्लाह ताला ये चिल्लर मैं निकाला तो कम से कम नहीं बोले तो भी 2 crore रुपये एडवांस जमा होते, सही भी समझिए गई। तो आप